जो है वो दिलजीत जी है, इनको फ्रेंच शोल्डर की काफी ज्यादा तकलीफ है। इसके साथ ही साथ जो है इनका सर्वाइकल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। एक्चुअली इनका जो फ्रोजन शोल्डर है वो आया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इनका इतना बढ़ चुका था कि उसकी वजह से इनका हाथ पूरी तरह काम करना बंद कर गया था। इनका लेफ्ट हैंड जो है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं था, उसकी वजह से इन्होंने शोल्डर की मूवमेंट बंद कर दी। शोल्डर मूवमेंट बंद करने के रिजल्ट ये मिले इनको कि इनका शोल्डर पूरी तरह जाम हो गया और ये अभी कंडीशन ये है कि ये अपने हाथ से अपनी चोटी तक नहीं बना सकते। इनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के साथ ही साथ जो है सर्वाइकल से और भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो इन चेंजेस को अगर हम देखें तो इन चेंजेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है शोल्डर पेन। शोल्डर पेन के साथ साथ हाथ का ना उठना, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम आ चुका है दोस्तों इनके अंदर। तो आइए देखते हैं कि दिलजीत जी का शोल्डर हम किस तरीके से ऊपर उठाते हैं, इसके साथ ही साथ जो है इनके पेन को किस तरीके से हम रिकवर करते हैं ये भी देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। Okay.